बच्चों वेलकम टू सबका टॉपर और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 में हम लोग चल रहे हैं। चैप्टर आपका रियल नंबर्स है और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 में हम चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा जा रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब 3 + 2√5 इज इरेशनल करना है आपको, तो इसमें जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन इस तरह से आप करोगे। जो हमारा मेथड होगा वो कंट्राडिक्शन का मेथड होगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या करते हैं। अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो हमको रेशनल इसको सपोज करते हैं और उसको प्रूफ कर देते हैं कि नॉट दिस इज़ नॉट रेशनल सो इट इज़ इरेशनल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। रेशनल का फॉर्मेट लेते हैं, पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट हो गया मतलब रेशनल हो गया। पी एंड क्यू हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। पी एंड क्यू इंटीजर्स होता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये हम एज्यूम्पशन होता है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जो इरेशनल नंबर और पी एंड क्यू को प्राइम नंबर हो जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करते हैं 2√5 को आप एक साइड ले लो, 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और 3 को इधर ले आए तो ये -3 हो गया। और ये क्या दिया आपको, ये दे देगा आपको पी -3q अपॉन क्यू हो जाएगा, ये हो गया 2√5। अब इससे क्या होगा, 2 को इधर लाएंगे हम तो √5 इज इक्वल टू पी -3q डिवाइडेड बाय 2q है ना। और इसको हम दो पार्ट कर सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है कि ये एक लिए पी अपॉन क्यू, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 p/q, और माइनस में आप इसको कर सकते हो कि -3/2। अब ये कंसेप्ट है कि यहाँ पर √5 आ गया हमारा, इक्वल टू आ रहा है 1/2 p/q -3/2। तो यहाँ तक जो असम्पशन है इसमें हम क्या देखते हैं, ये LHS हो गया आपका और ये RHS हो गया है ना। LHS और RHS में एक चीज़ फोकस कर पा रहे हैं कि √5 का जहाँ तक हम लोग का कंसेप्ट है कि √5 जो है इरेशनल नंबर होता है, √5 इज इरेशनल। और यहाँ पर जो इस साइड वाला पर RHS का जो पार्ट होता है उसमें क्या है, ½ p/q आपको इरेशनल नंबर ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है आपने, है ना। सपोज दिस इज इरेशनल, ये इरेशनल पार्ट है हमारा, ये इरेशनल पार्ट को प्रूव कर रहा है हमारा, इसको इरेशनल हमने मान रखा है। तो LHS में RHS में जो है हमारा 3/2 ऑलरेडी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। 3 एंड 2 जो है कॉमन को प्राइम नंबर्स हैं, और यहाँ 1/2 p/q हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब इससे हम प्रूफ हो रहा है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो ये हमारा इरेशनल आ रहा है, ये इरेशनल नंबर आ गया, और राइट हैंड साइड जो है ये हमारा रेशनल नंबर को प्रूफ कर रहा है, ये रेशनल नंबर को ओके कर रहा है ना। तो ये रेशनल और इरेशनल ये दोनों इक्वल टू साइन से होल्ड करता है, जो नहीं हो सकता है, दैट इज दैट वी नो इक्वल टू दिस इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन हो गया हमारा, दिस इज अ कंट्राडिक्शन हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।